मैं खुदा की कसम आओ और यहाँ कोई ठंड नहीं आ रहा है। ठीक हो? थकी थकी लग रही हो। हाँ अच्छा सब सामान ले आई? सब सामान ले आई हूँ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, एक आम से आदमी के लिए इतना इहतमाम करने की क्या जरूरत है? आई एम श्योर उसने ये सब खाया तो दूर की बातें देखा भी नहीं होगा। आई डोंट बिलीव इट। तुम कब से इतना क्लास कॉन्शियस हो गई? तुम्हारी नजर में तो अमीर गरीब सब एक बराबर, और बल्कि शायद गरीब बेचारा तो अमीर से बहुत अच्छा भी होगा। ये क्या, तुम निहारी मसाले का पैकेट नहीं लाई? अब समझ में आया, मेरी स्ट्रेस की वजह अमीर गरीब यहाँ ये कोई मसला थोड़ी है, बल्कि सारा दिन तुम्हारी शॉपिंग की लिस्ट पूरी करने के बाद भी तुम्हारी फरमाइशें ना खत्म होना है। यार दो तीन डिशेस बनाओ और चलता करो उसे। शिप्रा, शिप्रा वो फजल कढ़ाई वाले की दुकान के साथ जो डेयरी की दुकान है उसका तो पता है ना तुम्हें? अम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? अभी आपकी स्टिचेस भी नहीं खुले। क्या हो गया? ठीक हूं मैं, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? सिर्फ पूछ रही थी कि दुकान का पता है। क्यों, क्या हुआ? वो फजल बख्श आ रहा है ना, उसके लिए अपने हाथों से खीर बनानी चाहती हूँ, तो तुम जाकर 5 किलो दूध ले आओ। 5 किलो दूध? और खोया भी। मैं क्या हो गया है? चलते जाओ ना शिप्रा। सो कहना बेटा, रात की सारी तैयारी हो गई ना? कैसी तैयारी? कौन आ रहे? मैं नहीं कहीं जा रही। सो कहना, जाओ मेरा बैग लेकर आओ, मैं खुद जाऊंगी दुकान पे। जा रही हूं, जा रही हूं, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही मां, ये फजल बख्श आ रहा है कोई प्राइम मिनिस्टर? मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर से बढ़कर है, सुन लिया? सुन लिया। और वो निहारी मसाले का पैकेट भी, ये भी सुन लिया? सुन लिया। मैं आ जाऊं इस घर में वापस।